नरवाई जलाने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। इसमें एक पक्ष ने दूसरे पर जानलेवा हमला कर दिया। इसके बावजूद पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिस कारण पीड़ित पक्ष डरा हुआ है। टीकमगढ़ में जतारा तहसील के टांगा ग्राम में प्रमोद चढ़ार के खेत के पास गांव का चौकीदार रामलाल चढ़ार नरवाई में आग लगाने का काम कर रहा था। प्रमोद ने बताया कि नरवाई जलाने से उसके खेत में लगे पौधे जल जाते, इसीलिए उसने चौकीदार को रोक दिया। इसी बात पर दोनों में थोड़ा विवाद हुआ और मामला वहीं शांत हो गया, लेकिन रामलाल अपने अन्य साथियों के साथ हथियारों से लैस होकर आया और प्रमोद के परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें प्रमोद के परिवार की कई महिलाओं व पुरुषों को सिर व अन्य जगहों पर गंभीर चोटें आईं। मामला पुलिस तक पहुंचा और उसमें दबंगों के प्रभाव में आकर सिर्फ मामूली धाराएं ही लगाई, जिसके बाद पुलिस ने घायलों को टीकमगढ़ में रेफर करने को बोला। इस मामले में गुंडों और पुलिस की मिलीभगत सामने आई है। पास में काम कर रहे थे हाल में, हाँ। और काम कर रहे के बाद रामलाल चौकीदार आज उसने अपने खेत में आग लगा दी। आग लगाने के बाद हमारे मकान है सर पास में, और फिर माने ऐसी दवाई लगी सर, और दवाई में लगी तो उसे 100 पौधा फलदार उसने आग लगाई। हमें की भैया हमसे कह देते तो झा दे दीजिए, हर झक्कर हमारे जी पौधा नवाए थी, पुलिस आ देंगे क्यों बात कर हमसे। बेल बंदे थे तो हमने की जे जल जम जाते फिर इसके बाद उसने फोन लगा दो तो गांव से बुला ला और रिश्तेदार बुला ला तो हमने की जे पेड़ कट गए तो समझौता हो फिर मेरे बड़े का समझौता हो इसमें समझौता ना कर दें सर हमारे भी आई के लाने बैठन लगे तो लोग वहाँ से आए भैया हमसे बात करने लगे तो उसका चाहता है ऐसी बात उसी बात तो हमने की जो मुखावे के मामले में हम जो लोग हमारे बच्चे सब खाना खावे की तैयारी में थे जो लोग एक समझाओ लोग वहाँ से आए तो उन्हें सीधी हथियार घाल भी शुरू कह दो फरसा कुलारी पट्टा बंदूक भी जो ही उनके पास आते लाठी को कम से 20-25 आदमी है और जब सीधे उन्हें हमें तो नो पता नहीं सर के पल्ला घाल दी के फरसा खा संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।